हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। जैसे कि माय हेड, हमने पिछले वीडियो में पोएम बहुत ही अच्छे से मैंने सब आपको समझा दिए थी और आप भी समझ चुके थे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा और एक लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अभी हमें माय हेड इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो लेने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट्स इन द पोएम एंड राइट देम हियर। ओके, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हमें बोला है कि पोएम में हमें जो भी बॉडी पार्ट्स दिए हैं तो मेरी वो पोएम का जो भी वीडियो है वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने आपको सेंड कर दी है। अगर आपको वैसा भी नहीं देखते आ रहा है तो आप मेरा जो चैनल का नाम है वीणा देशमुख, वो आप सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके उसको ढूंढ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे थे कि पोएम में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर के कौन कौन से ऑर्गन बताए हैं। तो सबसे पहले तो बताया है हेड, HEAD हेड मतलब हमारा सर, MOUTH माउथ मतलब हमारा मुंह, EYES आईज मतलब हमारी आंखें, NOSE नोज मतलब हमारी नाक, और HAIR हेयर मतलब हमारे बाल। ओके, तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये हमें पोएम में बताए थे, जो हमने यहाँ पे सारे लिख लिए। ओके, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द ही वर्ड्स विद द करस्पॉन्डिंग शी वर्ड्स। ओके, अभी हमें ये जो ये दिए हैं सेंटेंस दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सेवन तक, तो ये सारे सेंटेंस हमें ही वर्ड में दिए हैं। अब ही वर्ड में आप बोलोगे मैम ये कैसे, ही वर्ड में मतलब क्या, तो ही वर्ड में मतलब जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया है माय फादर इज गोइंग, मेरे फादर जा चुके हैं तो या फिर जा रहे हैं, तो इसमें माय फादर बोला है। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, ही और शी के वीडियो में पढ़ा कि फादर क्या है, तो फादर को हम ही का कैरेक्टर देते हैं क्योंकि वो है मैन। ओके, फादर एक मैन है इसलिए हम उनको ही का कैरेक्टर देते हैं। तो हमें आंसर में शी का कैरेक्टर लिखना है। तो फादर से रिलेटेड हमने जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा था, फादर से क्या आएगा, मदर। ओके, जैसे हमारे मम्मी पापा, तो वैसे ही पापा, अभी अगले सेंटेंस में हम लिखेंगे मम्मा। तो माय फादर इज गोइंग ऐसे हमें दिया है, तो हम आंसर में लिखेंगे माय मदर इज गोइंग, फादर की जगह पे हमने मदर कर दिया। ओके, सेकंड जो है, अभी होप आपको ये समझ चुका है चुके हैं, तो आप ये आगे के जो है वो करने के लिए ट्राई तो ज़रूर कर सकते हैं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करते देखिए ताकि आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक बार देख लीजिए और फिर ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं। ओके, तो सेकंड हम देखेंगे, दैट इज़ द कॉक। तो कॉक जो होता है वो हमें पता है मुर्गा उसको बोलते हैं हम हिंदी में, तो कॉक की जो लेडीज होती है उसके बराबर तो होती है हेन, तो इसलिए हम लिखेंगे दैट इज अ कॉक का दैट इज अ हेन। ओके, कॉक एक ही वर्ड है, कॉक के लिए हम ही यूज करेंगे क्योंकि वो कौन से इसमें आता है, मैन के। ओके, तो दैट इज अ हेन, तो हेन हो गया एक शी वर्ड जो फीमेल के लिए हम यूज करते हैं। ओके, थर्ड वाला है, द लॉयन इज एंग्री। ओके, तो लॉयन ये क्या है, ही वर्ड है। ओके, ये मैन है तो इसकी जो वुमन है उसको हम क्या बोलेंगे, लॉयनेस। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे द लॉयन इज एंग्री का द लॉयनेस इज एंग्री। ओके, सिर्फ लॉयन क्या क्या कर दिया हमने, लॉयनेस कर दिया, ही का शी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अगला जो सेंटेंस है वो है द बॉय इज रीडिंग, तो बॉय की जगह पे क्या आएगा, गर्ल, द गर्ल इज रीडिंग। ओके, बॉय का क्या कर दिया हमने, गर्ल का, गर्ल कर दिया मतलब ही का शी में कर दिया। ओके, अगला है दिस इज माय ब्रदर, तो ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर, दिस इज माय सिस्टर। अगला जो है सेंटेंस वो है द मैन इज कमिंग, द वुमन इज कमिंग, मैन का कर दिया हमने वुमैन।
ओके। एंड लास्ट वन इज माय अंकल इज अ टीचर, माय आंट इज अ टीचर। अंकल क्या क्या करना होगा हमें, आंट करना होगा। अंकल क्या है, ही है, एक आदमी है, तो आंट आंट क्या हो जाएगा, एक औरत हो जाएगी, तो वही तो हमें करना है, ही का शी में कन्वर्ट करना है, तो माय आंट इज अ टीचर। तो इस तरह से हमने पूरा पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।